सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नए वीडियो के साथ, तो चलो ये चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि मेरे बिजनेस भाइयों जिनके साइड पेट बढ़ चुका है, जिनके लवेंडर्स बहुत ही ज़्यादा आ चुके हैं और वो टेंशन लेते हैं कि आप इसे कैसे कम करें। तो भाइयों, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 से 4 गलतियां कर रहे हैं जिससे आपका साइड फैट बढ़ता चला जा रहा है और आप कम नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको बताऊंगा कि आपका साइड फैट कैसे कम होगा। आपको सिर्फ 3 से 4 चीज़ों का जिम में ध्यान रखना है और अपने डेली रूटीन में ध्यान रखना है जिससे आपका साइड फैट कम होगा। मैं आप गारंटी लेता हूँ 6 से 8 वीक में आपका साइड फैट कम हो जाएगा बिना कुछ इतनी मेहनत करें। बस आपको 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपका फैट कम बढ़ रहा है और वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपको जिम तो ज्वाइन कर लेना है बिना, क्योंकि बिना जिम ज्वाइन किए आप कमी नहीं कर सकते हो, कोई भी नहीं करा सकता है। तो आपको जिम ज्वाइन जरूर करना है। सबसे पहले आपको जिम ज्वाइन करना है। जिम में आपको अच्छा वर्कआउट करना है, पूरी ओवरऑल बॉडी पार्ट का वर्कआउट करना है। बट सबसे पहले साइड फैट के लिए मैं आपको 3 एक्सरसाइज बता देता हूँ जिसे आप करोगे तो आपका साइड फैट 6 से 8 वीक में कम हो जाएगा। और आपको ये एक्सरसाइज डेली करना है, ऐसा नहीं कि आज कर ली फिर 3-4 दिन बाद करोगे। जिम में आपको टोकने वाले बहुत से मिल जाएंगे कि भाई एक इसका वर्कआउट डेली मत करो वरना ये फैल जाएंगे। बट आपको साइड फैट कम करने की ज़रूरत है तो आपको इसे डेली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग इसे डेली नहीं कर सकते जिनका साइड फैट है ही नहीं, जिन्हें ऑब्लिक्स अपने ग्रो करना है, वो एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं। बट आपका साइड फैट आ चुका है, आपको डेली साइड फैट का वर्कआउट करना पड़ेगा बिना टाइम वेस्ट किए। चलते हैं सबसे पहले साइड फैट की पहली एक्सरसाइज की तरफ। चलिए तो दोस्तों, पहली एक्सरसाइज आपको इस मशीन से करनी है। आपको सबसे पहले 2.5 kg की प्लेट ले लेनी है और आपको प्लेट को जिस तरह रखनी है पूरा आप पोजीशन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पोजीशन मेन होती है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह पहली एक्सरसाइज करनी है। हाथ आपको अपना इधर रखना है, फुल नीचे जाना है और फुल इधर 1 सेकंड रुकना है। तो भाइयों, आप फुल रेंज ऑफ मोशन में करिएगा, ऐसा नहीं कि आप हाफ हाफ करो, आपसे रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको फुल नीचे जाना है, फुल अगर बैंड होना है। यही चीज आपको इस साइड से भी करनी है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी कम रैप लगाए हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपको कितने रैप लगाने हैं। एक बारी में आपको इधर से 20 रैप लेने हैं और इस साइड से भी 20 रैप लेने हैं। एक साइड में आपको 20 रैप लेने हैं, दूसरे साइड में भी आपको 20-20 रैप लेने हैं। ऐसे करते करते आपको 4 साइड लेने हैं 20-20 रैप के। अच्छे से करिएगा, पोजिशन का ध्यान रखिएगा, पूरा लोड आपका साइड ऑब्लिक्स में आए। इधर पर ज़्यादा लोड आएगा तभी ये फैट कम होगा। इतना हैवी वेट पर मत जाइएगा कि आपके 2.5 से 20 रैप आने लगे फिर आप सोचो कि मैं 5 की प्लेट लूँ उससे निकालूँ 20 रैप। नहीं, अगर आपके 2.5 से इजी 20 आ रहे हैं तो आप वेट मत बढ़ाइएगा, आप रैप बढ़ाइएगा। 2.5 से 30 निकालिएगा, फिर उसके बाद 35 निकालिएगा, 40 निकालिएगा। वेट पे मत ध्यान दीजिएगा, रैप्स पे ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपकी ऑब्लिक्स में बहुत ज़्यादा लोड आएगा और आपका साइड फैट जल्दी कम होगा। तो आपको पहली एक्सरसाइज अच्छे से कर लेनी है, पोजिशन का ध्यान रखना है और दोनों साइड से आपको करनी है। ये बहुत ही कॉमन मशीन है, हर जिम में आपको मिल जाएगी। तो आपको साइड फैट के लिए पहली एक्सरसाइज आपको ये करनी है। चलिए चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज में आपको डिक्लाइन बेंच का यूज़ करना है। डिक्लाइन बेंच में आपको 2.5 kg की प्लेट लेनी है और ऐसे कुछ पोजिशन आपको बना लेनी है। पूरा नीचे मत जाइएगा ना कि स्ट्रेट बैठिएगा, आपको मिडिल में जाना है और फिर इस साइड जैसा कि आपने देखा कि दूसरी एक्सरसाइज आपको किस तरह करनी है। दूसरी एक्सरसाइज आपको जैसे कि मैंने आपको अभी करके दिखाया, आपको ऐसे ही करनी है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है साइड फैट के लिए, आपके ऑब्लिक्स को बहुत अच्छा ट्रेन कर देगी और आपका फैट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको ये एक्सरसाइज 6 से 8 वीक सेम लगानी है जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपको ज़्यादा एक्सरसाइज की तरफ नहीं भगना है,
जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ आपको सिर्फ वही एक्सरसाइज लगानी है। तो आपको दूसरी एक्सरसाइज में पहला सेट आपको 2.5 kg से लेना है और आपको फेलियर तक जाना है। आपका फेलियर 50-60 रैप तक आपका फेलियर आराम से इतने ही रैप में आपका हो जाएगा। 2.5 kg से आपको फेलियर जाना है, इसी से 2.5 kg से आपको 4 सेट करने हैं। फेलियर तक जाइएगा, आप देखिएगा लास्ट में आपको कितना अच्छा फील होगा, आपका धीरे धीरे साइड कट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको दूसरी एक्सरसाइज बकायदा अच्छे से पोजिशन से करनी है, आपका साइड कट जरूर कम होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए चलते हैं अपना टाइम वेस्ट किए तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी। सो तीसरी एक्सरसाइज हमें ऐसे करनी है, एक साइड से आपको 10 रैप ले लेने हैं और दूसरे साइड से आपको फिर 10 रैप लगाने हैं। सेट लगाने के बाद आपको ऐसे फ्लेक्स भी करना है ऑब्लिक्स की ओर। जब तक आप फ्लेक्स नहीं करोगे तो आपके ऑब्लिक्स में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो आपको हर सेट के बाद थोड़ा थोड़ा फ्लेक्स करना स्टार्ट करना है। आपका फैट कुछ ज़्यादा ही है तो आपको थोड़ा कम फ्लेक्स करना है, वरना आपको क्रैम्प वगैरह भी आ सकते हैं। तो आपको तीसरी एक्सरसाइज ऐसे करनी है। बहुत से मेरे भाई ये एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप ये एक्सरसाइज सीख लो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मैं ऑल्टरनेट आपको बता देता हूँ। इसका ऑल्टरनेट बहुत अच्छा ये है, ये एक्सरसाइज सेम ऐसे ही वर्क करती है, आप ट्राई करिएगा। तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी साइड पेट के लिए। अगर आपका साइड पेट बहुत ही ज्यादा आ चुका है और आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो, फैट कटर मत यूज़ कीजिए, उसकी जगह आप L-carnitine जरूर यूज़ कीजिए। आपका L-carnitine आपके बॉडी में आपका फैट एनर्जी कन्वर्ट करके वर्कआउट के दौरान आपका पूरा फैट कम हो जाएगा, जिससे कि आपका साइड फैट भी कम होने लगेगा, ओवरऑल आपकी बॉडी का फैट कम होने लगेगा तो आपका साइड फैट भी कम होने लगेगा। तो आपको L-carnitine जरूर यूज़ करना है, वर्कआउट से पहले एक सर्विंग यूज़ करना है। वैसे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अलग अलग कंपनी के L-carnitine है, बट आप RC का L-carnitine यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा L-carnitine है। मैंने एक दो जनों को सजेस्ट किया था, उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, उनका 8 से 10 किलो वजन कम हो गया था और साइड फैट भी कम हो गया था। तो आप L-carnitine जरूर यूज़ कीजिए। तीसरी आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है मैं आपको बताऊंगा। कुछ दिनों के लिए आपको मीठा बंद करना पड़ेगा, मैदा बंद करना पड़ेगा और कुछ दिनों के लिए आपको मिल्क वगैरह बंद करने पड़ेंगे। आप ये तीन चीज़ बंद करोगे तो आपको, आप खुद देखोगे, आपको 3 से 4 वीक में आपका बॉडी का फैट बहुत ज़्यादा कम होने लगेगा, आपकी स्किन पतली होने लगेगी। क्योंकि ये तीन चीज़ होती है जो कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर करती हैं और फिर आप सोचते हो कि मैं कुछ तो खा नहीं रहा हूँ और फैट आ गया है। आपको ये तीन चीज़ ज़रूर बंद करने पड़ेंगी, जब जाके आपका साइड फैट कम होगा और आपको कैलोरी डेफिशिएट पे जाना पड़ेगा। आप ये तीन चीज़ बंद करोगे, अच्छी डाइट लोगे कैलोरी डेफिशिएट की, आपका फैट जरूर कम होगा। आपको तीन चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ये तीनों वर्कआउट करने हैं, आपको L-carnitine यूज़ करना है, आपको तीन चीज़ें बंद करनी है, मैदा, मीठा और कुछ दिनों के लिए दूध वगैरह। उसके बाद आप दूध वगैरह ऐड कर लीजिएगा, मना नहीं है, बट कुछ दिनों के लिए आपको बंद करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि दूध खराब होता है, नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्दी फैट होता है, बट आपको कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ेगा। कि मैंने आपको बता दिया आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका साइड फैट कम होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। 1K जल्दी होने वाले हैं, सो आप 1K करा दीजिए। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।